हेलो एंड वेलकम इन्वेस्टर्स, माय नेम इज दिनेश एंड यू आर वाचिंग मिस्टर कश्यप यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विप्रो इंडिया के शेयर प्राइस के बारे में, विप्रो लिमिटेड के शेयर प्राइस के बारे में। काफ़ी लंबे समय से मेरे पास कमेंट आ रहे थे और काफ़ी अच्छी तरीके से आपको देखने को मिल रहा होगा, ऑब्जर्वेशन मिल रही होगी कि विप्रो से रिलेटेड मार्केट के अंदर काफ़ी सारी न्यूज़ जो हैं ट्रेंड कर रही हैं और इन न्यूज़ का सीधा सीधा असर देखने को हमें मिलेगा विप्रो की शेयर प्राइस के ऊपर। तो आज इस न्यूज़ के बारे में भी बात करेंगे, कंपेयर करेंगे यहाँ पर लास्ट क्वार्टर से लेकर के इस वाले क्वार्टर के अंदर क्या कुछ चीज़ें बदली हैं विप्रो इंडिया के लिए और क्या आपको इस शेयर के अंदर पैसा फंसा देना चाहिए या फिर आपको अपने पैसे को निकाल लेना चाहिए। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर से आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ में और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन ज़रूर से ऑन कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन बिल्कुल समय पर मिल सके। दोस्तों, आज के दिन में अगर मैं बात करूँ तो मार्केट के अंदर जो इसका शेयर प्राइस आपको देखने को मिलेगा 341 रुपए के आसपास इसका शेयर प्राइस आपको देखने को मिल रहा होगा। आज के दिन में अगर रैली की बात करें तो माइनस में गई है, 5.90% रैली माइनस में गई है, जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, पिछले 5 दिनों के अगर कंपैरिजन करें तो पिछले 5 दिनों की जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ी सी यहाँ पे निराश करने वाली ज़रूर देखने को मिल रही है आपको, क्योंकि पिछले 5 दिनों में ये शेयर डेप्रिसिएशन में गया है और कई बार ये ऊपर भी गया है, लेकिन कई जगहों पर ये शेयर आपको देखने को मिलेगा नीचे की ओर। वहीं अगर एक महीने की अगर बात करूं तो एक महीने के अंदर यहां पे परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी होती अगर इस पॉइंट के ऊपर ये शेयर होता, लेकिन इस पॉइंट से यहां पे देखिए नीचे की ओर आता गया ये शेयर, जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं। तो परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है एक महीने के अंदर भी। हालाँकि बात करी जाए तो एप्रिसिएशन में ज़रूर से आपको ये शेयर देखने को मिल रहा होगा पिछले एक महीने के अंदर। दोस्तों, अगर 6 महीने के चार्ट पैटर्न की बात करें तो 6 महीने का चार्ट पैटर्न ये बताता है कि थोड़ा सा ही सही लेकिन एप्रिसिएशन जरूर है शेयर के अंदर। बाकी अगर मैं बात करता हूं 6 महीने के चार्ट पैटर्न की तो 6 महीने पहले ये शेयर की कीमत तकरीबन 178 रुपीस के आसपास थी और आज के डेट में ये शेयर 340 रुपए के आसपास है। तो काफी अच्छी इंप्रूवमेंट है 6 महीने के अंदर, काफी अच्छी एप्रिसिएशन आपको देखने को मिल रही होगी। वहीं अगर दोस्तों मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की अगर मैं बात करता हूं तो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न मुझे ये बताता है कि ये शेयर कई बार ऊपर भी जाता है फिर उसके बाद नीचे आता है, और लेकिन यहां पे लॉन्ग टर्म के अंदर अगर आप देखें तो ऊपर की ओर ही अग्रसर है। अभी आप देखिए लास्ट टाइम पर जब ये COVID-19 लगा था उसके बाद से लेकर के अब तक का चार्ट पैटर्न अगर आपको देखने को मिल रहा होगा, एक इस वाले पॉइंट के ऊपर जो चार्ट पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है वो सबसे ऊपर देखने को मिल रहा होगा। हालांकि अगर मैं बात करूँ ऑल दो तो यहाँ पर कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इस शेयर प्राइस के अंदर आपको देखने को मिल सकती हैं। इस अकॉर्डिंगली जहां पे इस वाले पॉइंट पे नीचे था मार्च के महीने में 2020 के अंदर ही, और यहां पे आप देखिए ये शेयर प्राइस 334 रुपये को भी क्रॉस करता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि एक अच्छी बात है, जो कि एक बहुत ही प्रीशियस बात है शेयर होल्डर्स और कंपनी के प्रमोटर्स दोनों के लिए ही। साथ के साथ में दोस्तों, अगर मैं बात करता हूँ कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में तो कंपनी के फाइनेंशियल्स की अगर मैं बात करूँ तो जून क्वार्टर की अगर मैं बात करता हूँ तो जून क्वार्टर के अंदर आपको देखने को मिलेगा जो आपके जो रेवेन्यू था कंपनी का 1.34% से अप था। साथ के साथ में अगर मैं बात करता हूँ नेट इनकम कंपनी की 0.12% से थी। इसके अलावा दोस्तों ईपीएस भी अब था, और साथ के साथ में अगर मैं बात करता हूं कॉस्ट यहां पे ऑपरेटिंग इनकम के बारे में तो वो भी आपको 7.64% से अप नजर आ रही होगी। लेकिन वहीं अगर मैं बात करता हूं कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू की तो 0.55% से डाउन जा रहा था, लेकिन अगर मैं बात करता हूं दोस्तों इस वाले क्वार्टर के अंदर जो अभी सेप्टेंबर क्वार्टर चल रहा है तो सेप्टेंबर क्वार्टर के अंदर आपको ये सारी की सारी चीजें किस तरीके से देखने को मिलेंगी। यहां पर नेट इनकम जो है कंपनी की, जो रेवेन्यू है कंपनी का वो भी कम हो गया है, साथ के साथ में ईपीएस है कंपनी का वो भी कम हो गया है, लेकिन एक चीज यहां पे आपको प्लस में नजर आ रही होगी जो कि कंपनी की ईपीएस है। वहीं अगर दोस्तों बात करता हूं ऑपरेटिंग इनकम 7.12% आपको यहाँ पे हाइप नज़र आ रही होगी, जो कि एक अच्छी बात है। वहीं अगर दोस्तों ओवरव्यू की बात करें, ओवरव्यू के अंदर कंपनी के ऊपर लाइबिलिटीज़ कितनी हैं, कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है, उसके लिए मैं लेकर के चल रहा हूँ आपको एक वेबसाइट पे जो कि मनी कंट्रोल की साइट है, और मनी कंट्रोल की साइट पर जाकर के आप इसको बहुत ही आसानी से चेक कर सकते हैं, गो थ्रू कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ कंपनी की
बैलेंस शीट के बारे में, तो कंपनी की बैलेंस शीट को चेक करने के लिए आपको मनी कंट्रोल की साइट के ऊपर आकर के आप ये सारी की सारी चीज़ें बहुत ही आसानी से चेक कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से। अब दोस्तों यहीं पे अगर मैं बात करता हूँ कंपनी से रिलेटेड जो बैलेंस शीट है, उसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस की भी बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ BSE के अंदर, आपको यहाँ पे देखिए शेयर प्राइस आपको देखने को मिल रहा होगा, NSE और BSE दोनों के ही अंदर यहाँ पे देखने को आपको मिल रहा होगा शेयर का क्या क्या कंडीशन है शेयर की। NSE और BSE दोनों जगह पे आप देख सकते हैं शेयर कितने कितने का बिक रहा है। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ कंपनी का जो इक्विटी शेयर कैपिटल है ना दोस्तों, तो इक्विटी शेयर कैपिटल कंपनी का लास्ट ईयर के अकॉर्डिंगली, अब देखिए लास्ट ईयर इक्विटी शेयर कैपिटल कंपनी का ये था, जबकि बात करें 1,206 करोड़ और 80 लाख, और इस साल कंपनी का इक्विटी शेयर कैपिटल हो गया 1,142 करोड़ और 70 लाख, जो कि कम हुआ है, जो कि एक अच्छी बात है कंपनी के शेयर होल्डर्स और प्रमोटर दोनों के लिए ही। वहीं अगर दोस्तों बात करता हूँ कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस के बारे में, तो लास्ट ईयर कंपनी के पास जो रिजर्व एंड सरप्लस था वो देखिए 48,185 करोड़ था, वहीं इस साल की अगर मैं बात करूँ तो 45,311 करोड़ कंपनी के पास में रिजर्व एंड सरप्लस है, जो कम हुआ है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, जो कि एक नेगेटिव बात है, एक पॉजिटिव पॉइंट नहीं है बल्कि एक नेगेटिव पॉइंट है कंपनी के प्रोस्पेक्टिव से देखें या शेयर होल्डर्स के प्रोस्पेक्टिव से अगर मैं देखता हूँ तो। वहीं अगर दोस्तों बात करते हैं लॉन्ग टर्म बोरिंग की, तो लास्ट ईयर कंपनी के ऊपर 22 करोड़ का कर्जा था तकरीबन, इस साल कंपनी के ऊपर 25 करोड़ का कर्जा है, 25 करोड़ 10 लाख का कर्जा, जो भी एक नेगेटिव पॉइंट है, लेकिन हालांकि अगर बात करी जाए तो इतना का ज़्यादा कर्जा नहीं है। अगर लास्ट ईयर की बात करी जाए, लास्ट टू लास्ट ईयर की बात करी जाए, तो 72.40 करोड़ का कंपनी के ऊपर कर्जा था, जो कि धीरे धीरे करके ही सही लेकिन कंपनी कम कर रही है। वहीं अगर दोस्तों बात करते हैं शॉर्ट टर्म के अंदर, शॉर्ट टर्म के अंदर कंपनी के ऊपर कितना कर्जा है, तो देखिए लास्ट ईयर ये कर्जा था कंपनी के ऊपर जो कि था 5,052 करोड़ और 20 लाख, और यहाँ पर कंपनी के ऊपर 5,01 करोड़ कर्जा है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारी की सारी चीज़ें कम होती हुई नज़र आ रही हैं, जो कि एक प्लस पॉइंट है, एक नेगेटिव पॉइंट नहीं है कंपनी के प्रोस्पेक्टिव से देखें या शेयर होल्डर्स के प्रोस्पेक्टिव से भी अगर आप इसको देखते हैं तो। वहीं अगर दोस्तों बात करते हैं कंपनी से रिलेटेड मार्केट के अंदर काफ़ी सारी न्यूज़ ट्रेंड करती हैं, आप देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये एक दिन पहले की न्यूज़ मैं बता रहा हूँ, विप्रो शेयर्स बायबैक जो हो रहा है ऑफर यहाँ पे बताया गया, अपॉर्चुनिटी है एक तरीके से ये खरीदने के लिए, साथ के साथ में स्टॉक इन द न्यूज़ इन्फोसिस विप्रो और यहाँ पे देखिए कई दूसरी कंपनीज के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, जो कि बताया गया है कि ये शेयर अब जाएंगे, जो थोड़े बहुत टाइम के अंदर ये डेफिनेटली अब जाने वाले शेयर हैं, ठीक है। विप्रो शेयर बायबैक, ये तो देखिए अनलकीली देखिए यहाँ पे ये बताया गया है, एक हफ्ते पहले की न्यूज़ है, ये सारी की सारी न्यूज़ जाकर के आप अलग अलग वेबसाइट पे जाकर के आप इनको चेक कर सकते हैं, गो थ्रू कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इस चैनल के ऊपर आप अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो इस चैनल के ऊपर आपको इसी तरीके की इंटरेस्टिंग अमेजिंग वीडियोज़ देखने को मिलती रहती हैं शेयर मार्केट से रिलेटेड। आज के दिन में हम विप्रो के लिए वीडियो लेकर के आए हैं, कई दिन में हम कई कई दूसरी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर के आते रहते हैं आप सभी लोगों के लिए, ताकि आपको शेयर मार्केट की नॉलेज भी मिल सके और शेयर मार्केट के बारे में कई सारी चीज़ें आपको बता कर सकें। तो दोस्तों यहाँ पे आपको करना कुछ नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों बेल आइकन होता है, उस बेल आइकन को दबाना है, इस तरीके का कुछ बेल आइकन होगा उसको प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिलते रहे आपके मोबाइल फ़ोन पे। वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों इस वीडियो को अगर मैं करूँ तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ में, और चैनल को जैसा कि मैंने बताया सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर से ऑन कर दीजिएगा, ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन बिल्कुल समय पर मिल सके। मैं मिलता हूँ ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए लेता हूँ आपसे विदा। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।